नमस्कार, महात्मा गांधी अस्पताल के सुरक्षा एट होम पैकेज में आपका स्वागत है। मैं आपको होम क्वारंटाइन के लिए प्रदान की गई किट के बारे में जानकारी दे रही हूँ। कैसे हम इस किट के वस्तुओं को उपयोग में लेंगे, आइए मैं आपको बताती हूँ। चलिए अब हम इस मेडिकल किट को खोलते हैं और देखते हैं हर एक वस्तु को किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। किट को हमने जैसे ही खोला, हमें एक बुक मिली जिसमें पेशेंट को क्या चीज़ें करनी हैं और क्या चीज़ें नहीं करनी हैं सभी चीज़ लिखी हुई हैं। डूज एंड डोंट्स पिक्चर्स के साथ में दर्शाई हुई हैं। यूज ट्रिपल लेड मास्क। डू नॉट शेयर योर पर्सनल आइटम्स विद एनीवन। हाथ किस तरीके से धोने हैं ये भी लिखी हुई हैं। आपको किस समय क्या खाना है उसकी पूरी सूची दी हुई है। अब है हमारे पास पेशेंट क्लिनिकल लॉग बुक, जिसमें पेशेंट को अपना नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस की जानकारी भरनी है। इसी के साथ पेशेंट ने जो भी लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट में खाया है उसे 14 दिन तक डेली इसमें भरनी होगी। साथ ही साथ वाइटल मॉनिटरिंग शीट है, जिसमें आपको टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, सैचुरेशन, मेडिसिन, जो कुछ भी ली है एक पेशेंट ने, यहाँ आपको खुद भरनी होगी। अगर COVID-19 के नॉर्मल सिम्टम्स के अलावा आपके पास अगर कोई भी और एक्स्ट्रा सिम्टम्स आते हैं तो यहाँ नोट्स में आपको दर्ज करनी होगी। 24 आवर्स चलने वाली हेल्पलाइन नंबर भी दी हुई है, अगर आपको और भी कुछ परेशानी होती है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। हमने हमारे किट के साथ एक सैनिटाइज़र भी प्रोवाइड किया है। किसी भी वस्तु को छूने से पहले और छूने के बाद अपने हाथों को सही तरीके से सैनिटाइज करें। इस किट में 3-ply मास्क भी प्रदान किए हैं, जिसे इस तरीके से पहनना है। हमेशा अपनी नाक को और मुंह को सही तरीके से ढक के रखना है। किसी से भी बात करते वक्त कभी भी अपने मास्क को ना उतारें। साथ ही साथ अगले 6 से 8 घंटे में मास्क डिस्कार्ड करते रहें। किट में मास्क के साथ साथ हमें ग्लव्स भी दिए गए हैं। पेशेंट को किसी भी चीज़ को छूने से पहले ग्लव्स का इस्तेमाल करना है और ग्लव्स इस तरीके से पहने। इससे आप सेफ रहेंगे। इस किट में हमें पल्स ऑक्सीमीटर भी प्रदान किया गया है, जिसे हमें इस तरह इस्तेमाल करना है। हमारी पहली उंगली डालनी है, यहाँ बटन को दबाना है और पल्स देखते हैं। यह आपके ब्लड में ऑक्सीजन के सैचुरेशन लेवल को दर्शाएगा। यह हमेशा 94% से ज़्यादा होनी चाहिए। यह आपकी हार्ट रेट एंड पल्स भी दिखाएगा। इसका स्तर आरामदायक स्थिति में हमेशा 100 से कम ही होना चाहिए और आदर्श रूप से 70 से 80 के बीच। यह आपके शारीरिक गतिविधियों के स्तर पर निर्भर करता है। अब हमारे पास इस किट में एक थर्मोमीटर है, जिसे हमें ऑन करके हमारे जीप के नीचे लगाना है। एक बीप के साउंड के बाद इसे बाहर निकाल कर यहाँ रीडिंग चेक करनी है और हमारे लॉग बुक में नोट करना है। अब हमारे पास 3-ball स्पायरोमीटर है, जो हमारे सांस की थेरेपी करता है। इसे दिन में 5 से 7 बार करें 20 से 25 मिनट तक। सीधा करके सांस लें और उल्टा करके सांस छोड़ें। सुरक्षा एट होम के अंतर्गत महात्मा गांधी अस्पताल के द्वारा कोविड पेशेंट्स के लिए 24 घंटे घर से सैंपल कलेक्शंस की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। ये थी हमारी महात्मा गांधी अस्पताल की सुरक्षा एट होम किट। अगर इसके संदर्भ में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं हमारी हेल्पलाइन नंबर पर। नमस्कार।